गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर थर्ड ऑफ ईवीएस क्लास थर्ड। चैप्टर नेम इज प्लांट्स, पौधे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस, पौधे हमारे चारों तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी प्लांट्स हैव यू सीन, कितने प्रकार के आप पौधे देखते हैं। डू यू फील दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनादर, क्या आप ये महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग फॉर अराउंड अस, यहाँ पे कई किस्में पौधे के हैं जो हमारे चारों तरफ बढ़ रहे हैं। प्लांट्स मे बी बिग ट्री, डेंस शर्ब्स, सॉफ्ट हर्ब्स और डेलिकेटेड क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, ये सभी पौधों की पौधे हैं, जैसे कि डेंस ट्री, शर्ब्स, सॉफ्ट हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। लेट अस हाउ दीज प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनादर, आइए देखते हैं कि ये पौधे एक दूसरे से अलग कैसे हैं। फर्स्ट टॉपिक ट्रीज। ट्रीज आर यूजुअली बिग एंड टॉल, जो पेड़ होते हैं बड़े और लंबे होते हैं। दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम कॉल्ड ट्रंक, इनकी बहुत ही हार्ड और थिक स्टेम होती है जिसे ट्रंक कहते हैं। मैनी ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द ट्रंक, बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो कि इससे ट्रंक से ही उगती हैं। दीज ब्रांचेस बियर मैनी लीव्स, इसी में से बहुत सारी पत्तियाँ निकलती हैं। सम बिग ट्रीज लाइक बैनियन एंड पीपल हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, कुछ बड़े पेड़ हैं जैसे कि पीपल और बरगद का, जिनकी बहुत लंबी लाइफ होती है। दे लीव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ये हजारों साल जीवित रहते हैं। बनियान ट्री इज अवर नेशनल ट्री, जो बनियान बरगद का पेड़ है वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। सम ट्रीज लाइक पपाया एंड पोमेग्रेनेट आर नॉट वेरी बिग, कुछ पेड़ हैं जैसे कि पपीता और अनार का जो बड़े नहीं होते हैं। श्रब्स आर बुशी प्लांट्स, जो श्रब्स है वो छोटा पौधा होता है। देयर स्टेम इज डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। श्रब्स लीव्स फॉर मैनी ईयर्स, जो श्रब्स होता है वो बहुत साल जीवित रहता है। हीना रोज एंड चाइना रोज आर श्रब्स, हीना मेहंदी, गुलाब और चाइना रोज जो है वो श्रब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, जो छोटे पौधे और जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है मुलायम, उसे हर्ब्स कहते हैं। दीज प्लांट्स यूजली हैव अ शॉर्ट लाइफ, इनकी जो पौधों की लाइफ है वो छोटी होती है। मोस्ट ऑफ देम लीव फॉर अ फ्यू मंथ ओनली, ये केवल कुछ महीने ही जीवित रहते हैं। कोरिएंडर, पेटूनिया एंड स्पिनेच आर हर्ब्स, ये धनिया, पेटूनिया और पालक जो है हर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद डेलिकेटेड स्टेम्स, जो क्लाइंबर्स पौधे होते हैं उनकी स्टेम बहुत डेलिकेटेड होती है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन, ये अपने आप से खड़े नहीं रह सकते। दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स टू स्टैंड, ये खड़े होने के लिए दूसरे पौधे का सहारा लेते हैं। मनी प्लांट्स एंड ग्रेफेनिया आर क्लाइंबर्स, मनी प्लांट और अंगूर की बेल हैं वो क्लाइंबर्स हैं। क्रीपर्स लाइक पम्पकिन एंड वाटरमेलन स्प्रेड देयर वीक स्टेम ऑन द ग्राउंड, क्रीपर्स में जैसे कि पम्पकिन, कद्दू और तरबूज के जो पौधे होते हैं उनकी बहुत ही कमज़ोर स्टेम होती है, तना होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर उगती हैं। नेक्स्ट, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, कहाँ पौधे उगते हैं। प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो पौधे हैं वो ऑलमोस्ट चारों तरफ ही मिलते हैं। फॉरेस्ट आर फुल ऑफ प्लांट्स, जंगल जो है पूरा पौधों से भरा है। वी फाइंड प्लांट्स ऑन प्लेन्स, हिल्स, डिजर्ट्स एंड इवन इन पॉन्ड्स, रिवर एंड ओशंस, जो पौधे हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। प्लेन्स में मीन्स जो समतल भूमि होती है, हिल्स, पहाड़, रेगिस्तान, इवन पॉन्ड्स, तालाब, रिवर, नदियाँ, ओशन, सागर। मोस्ट ऑफ द ट्री लाइक पाइन एंड फायर ग्रोविंग ऑन हिल्स आर कॉन शेप, मोस्टली जो पेड़ होते हैं पाइन ऑफ आइस के वो हिल्स पहाड़ों पे उगते हैं, जिनकी शेप कॉन शेप में होती है। दे हैव थिन लीव्स, इनकी बहुत पतली पत्तियां होती हैं। इन दीज एरिया स्नोफॉल इज कॉमन, इस एरिया में स्नोफॉल कॉमन है, मीन बर्फबारी। द शेप ऑफ द ट्रीज एंड लीव्स हेल्प स्नो टू स्लाइड डाउन दैम ईजीली, जो बर्फ होती है उसको ईजीली ये लोग पत्ती और पेड़ों की पत्तियां आराम से नीचे गिरा देती हैं। ट्रीज लाइक ऐसे एकेसिया, बबूल एंड डेट पाल्म ग्रो इन डिजर्ट,
पेड़ जैसे कि बबूल का, डेट पाम का, वो डिजर्ट में रेगिस्तान में उगते हैं। दीज प्लांट्स नीड वेरी लिटिल वाटर टू ग्रो। इन्हें उगने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। दे आर यूजुअली थॉर्नी एंड शॉर्ट इन हाइट। ये बहुत बहुत छोटे होते हैं और कांटेदार होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टी हैविंग थॉर्नी एंड फ्लैशी बॉडी ऑल्सो ग्रो इन डिजर्ट। जो डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस होते हैं वो कांटेदार होते हैं और उनकी फ्लैशी बॉडी होती है जो कि डिजर्ट में उगते हैं। सम प्लांट्स लाइक कोकोनट पाल्म एंड बेटल नट्स पाल्म ग्रो अलोंग द सी कोस्टेस। कुछ पौधे होते हैं जैसे कि नारियल का और बिटल नट्स का जो कि सागर के किनारे उगते हैं। प्लांट्स लाइक लॉटस एंड वाटर लिली नीड लॉट ऑफ वाटर। प्लांट्स जैसे कि कमल और लिली का जो होता है उन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दे ग्रो इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। तालाब और झीलों में उगते हैं। लोटस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री। कमल का फूल बहुत सुंदर होता है और ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है या फूल है। लार्ज नंबर ऑफ सीवीड्स ग्रो इन द ओशंस। बहुत अधिक मात्रा में सीवीड्स सागर में उगती हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई होती है। मैनी सी एनिमल्स लाइक सील्स एंड टर्टल फीड ऑन देम। बहुत से एनिमल्स हैं जो इन्हें भोजन की तरह खाते हैं जैसे सील्स और टर्टल्स। पीपल ऑफ जापान चाइनीज एंड अदर कंट्रीज लिविंग नियर सी कोस्टेस यूज सीवीड्स एज देयर फूड। जैसे जो लोग जैसे जापान के, चीन के और दूसरे देशों के जो लोग हैं वो सागर के किनारे पे रहते हैं और इसे अपने भोजन के रूप में खाते हैं। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस। प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कई कारणों से उपयोगी होते हैं। प्लांट्स गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो पौधे हैं वो हमें ताज़ा हवा देते हैं सांस लेने के लिए और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें जान होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती हैं। प्लांट्स यूज दिस गैस टू मेक फूड। और जो प्लांट्स पौधे होते हैं इस गैस से अपना भोजन बनाते हैं। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड से। विल डूइंग सो दे गिव ऑफ ऑक्सीजन विच वी ऑल ब्रीथ इन। और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमने सांसों के द्वारा अंदर लेते हैं। प्लांट्स गिव्स अस फूड। पौधे हमें भोजन देते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। अधिकतर जो भोजन है वो हमारे पेड़ पौधों से मिलता है। वी ईट देम रॉ और कुक देम बिफोर ईटिंग। हम इन्हें कच्चा भी खाते हैं और खाने से पहले पकाते भी हैं। दोनों तरीके का खाते हैं हम। वी गेट क्रियल्स लाइक वीट राइस मेज। हमें मिलते हैं जैसे कि क्रियल्स दानेदार गेहूँ चावल और मक्का। पल्सेस लाइक मूंग दाल मसूर दाल। जैसे पल्सेस होती हैं वो कौन से होते दानेदार? मूंग की दाल हुई, मसूर दाल। वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो टमेटो ब्रिंजल पीज लेडी फिंगर। सब्जियां जैसे कि आलू टमाटर बैंगन मटर और भिंडी। फ्रूट्स सच एज मैंगोज एप्पल्स बनाना। फ्रूट्स जैसे कि आम सेब और केला। स्पाइसेस आर लाइक कार्डमोम कोरिएंडर। स्पाइसेस जैसे धनिया काली मिर्च इत्यादि। ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड कोकोनट सनफ्लावर इत्यादि। मस्टर्ड मीन सरसों का नारियल का और सनफ्लावर का तेल। प्लांट्स गिव्स अस क्लोथ्स। ये जो पौधे होते हैं वो हमें कपड़े देते हैं। वी यूज द फाइबर्स ऑफ कॉटन प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लोथ्स। हम यूज़ करते हैं फाइबर को कॉटन प्लांट से जो कि कॉटन क्लोथ्स बनाते हैं। फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट्स आर यूज टू मेक लेनिन। जो फाइबर होता है वो फ्लैक्सी प्लांट से यूज होता है जिससे लेनिन बनता है। फाइबर्स ऑफ जूट प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग जूट बैग्स एंड रोप्स। जो फाइबर का जूट प्लांट होता है उससे हम जूट बैग्स बनाते हैं और रस्सियाँ रोप्स मीन्स रस्सियाँ बनाते हैं। सम प्लांट्स आर यूज एज मेडिसिन। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें हम दवाइयों में यूज़ करते हैं। प्लांट्स लाइक एक्वालेप्स टर्मरिक मीन्स हल्दी नीम तुलसी मिंट अजवाइन गार्लिक जिंजर एलोवेरा एंड लेमन आर यूज एज मेडिसिन। ये सभी चीज़ें दवाई बनाने के काम में ली जाती हैं। दे हेल्प अस गेट रिड ऑफ वेरियस डाइजेजेस। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। वी गेट परफ्यूम फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से ही हम परफ्यूम मिलता है हमें। स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स अच्छी जो फूलों की स्मेल होती है लाइक रोज जैस्मिन लेवेंडर एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम। इन फूलों से हम
परफ्यूम बनाते हैं। प्लांट्स गिव्स अस वुड, जो पौधे होते हैं वो हमें लकड़ियाँ भी देते हैं। जस्ट लुक अराउंड योर हाउस फॉर द थिंग्स मेड ऑफ वुड, आप अपने घर में चारों तरफ देखिए, बहुत सी चीज़ें जो कि लकड़ियों की बनी हुई हैं, बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, चेयर, डोर, विंडोज, किचन कैबिनेट्स आर ऑल मेड ऑफ वुड, ये सभी चीज़ें लकड़ियों से बनी होती हैं। इवन द पेपर ऑफ योर बुक्स एंड नोटबुक्स, इवन आपके जो कॉपी और नोटबुक के पेपर्स होते हैं वो भी आर मेड ऑफ वुड, लकड़ियों से बनते हैं। सो यू शुड यूज पेपर केयरफुली, एज मोर पेपर यू यूज मीन्स मोर ट्रीज हैव टू बी कट डाउन, इसलिए आपको जो पेपर है वो बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। जितने भी आप अधिक मात्रा में पेपर यूज करते हैं, इसका मतलब है उसके लिए उतने ही पेड़ काटे जाते हैं। प्लांट्स मेक प्लेसेस लुक ब्यूटीफुल, जो पौधे होते हैं वो प्लेसेज में जगहों को भी सुंदर बनाते हैं। प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स एंड फ्लावर्स आर ग्रो इन द गार्डन एंड लॉन्स ऑफ हाउस, हमारे घर के जो गार्डन और लॉन होते हैं उनमें हम कलरफुल पत्तियों फ्लावर के पौधे उगाते हैं। सम प्लांट्स कैन बी ग्रो इनसाइड द हाउस और इन द वरांडा, कुछ पौधे होते हैं जो हम घर के अंदर लगाते हैं और वरांडे में लगाते हैं, दे आर कॉल्ड इनडोर प्लांट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनडोर प्लांट्स। मनी प्लांट्स, फर्न्स, पाम्स एंड ड्रैकनेज आर सम ऑफ द इनडोर प्लांट्स, ये सभी घर के अंदर पौधे लगाए जाते हैं। दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ आवर हाउस एंड ऑफिस, और ये हमारे घर की और ऑफिस की सुंदरता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, सम प्लांट्स दैट वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड ग्रोविंग, कुछ पौधे जो हम अभी रिसेंटली ही उगाते हैं, बढ़ाते हैं। बनीज ग्रैंडफादर लाइक टू ईट किनूज, जो बनित के दादाजी हैं उन्हें किनू बहुत पसंद है खाना। ही फील दैट दे टेस्ट बेटर देन ऑरेंज, उन्हें ऑरेंज से ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा लगता है। ही सेज दैट किनूज वर नॉट ग्रो इन दिस एरिया व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो किनू इस एरिया में नहीं उगाए जाते थे। नाउ दे आर ग्रो इन मैनी प्लेसेस एंड सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री, और इन दिनों आज के समय में ये बहुत सारे जगह पे उगाया जाता है और दूसरे देशों में बेचा जाता है। नाउ डेज ऑलिव आर ऑल्सो ग्रो इन पार्ट ऑफ राजस्थान, और इन दिनों ऑलिव भी है जो उगाया जाता है, जो कि राजस्थान का एक हिस्सा है। विच प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन आवर कंट्री, नेक्स्ट टॉपिक इज कौन से पौधे हैं जो हमारे देश में नहीं उगाते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट, देखिए यहाँ पे कुछ सब्जियां और फ्रूट्स जो कि हम बाजार से खरीदते हैं। दे आर नॉट ग्रो इन आवर कंट्री, ये हमारे देशों में नहीं उगाए जाते। दीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, ये दूसरे देशों की से आते हैं या इम्पोर्टेंट रखते हैं। चाइनीज कैबेज वेजिटेबल फ्रॉम चाइना, जो चाइनीज कैबेज हैं वो चाइना की है सब्जी। ड्रैगन फ्रूट जो थाईलैंड का है। कीवी फ्रूट फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड से है फ्रूट। रेड पियर्स फ्रूट फ्रॉम अमेरिका, ये अमेरिका का फ्रूट है। एड टू योर वोकैबुलरी आयुर्वेदा ओल्ड इंडियन प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग डिजीजेस यूजिंग प्लांट्स, आयुर्वेदिक एक मेडिसिन है जो कि पुराने लोग इंडिया के जो होते थे वो उसे ट्रीट करते थे। बीमारियों को पौधों से ली बनाई जाती है जो कि बीमारियों को दूर करती है। इम्पोर्टेंट थिंग्स ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज फिनिश, डू इन योर नोटबुक वोकैबुलरी, हैव अ गुड डे।